हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। दिस टाइम आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपने पैनल्स 2 दिन में कैसे डस्ट लग जाता है उसको, या विद आप उसको कैसे साफ करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास 3 पैनल्स है विक्रम के, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया है। उसमें से जो सेंटर वाला पैनल है, मैंने उसको अभी उस पर डस्टिंग नहीं की है। बचे हुए 2 पैनल को मैंने डस्टिंग की है। सेंटर वाला आपको पैनल में दिखाऊंगा अभी। सेंटर वाला पैनल में डस्ट है, ये सिर्फ 1 दिन का डस्ट है, 2 दिन भी नहीं, 1 दिन का डस्ट है। कल मैं साफ करके गया था, आज आपको ये धूल दिखाता हूँ, इतना धूल आता है। क्योंकि आई वॉज चेकिंग एम्पियर्स जो मेरे को आ रहे थे आज, वो करीब करीब 7 या 10 8 एम्पियर्स आ रहे थे 9:30 बजे, जबकि मेरे को 11 एम्पियर तक आ जाते। तो आपको दिखाता हूँ अभी कि ये कैसे मैंने साफ करके रखा है। होल्ड ऑन। तो ये रहा, जैसे मैंने आपको कहा था, ये मेरे 3 पैनल हैं। आप सेंटर वाला पैनल देख पा रहे हो, मैंने सिर्फ अभी ये पहला पैनल और ये तीसरा पैनल को सिर्फ डस्टिंग की है। सिर्फ एक सूखे कपड़े से उसके ऊपर पोंछा मारा है मैंने। मैंने उसको अभी गीला भी नहीं किया, इसके बाद गीला कपड़ा मारना है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सेंटर वाला पैनल जो है ग्रेइश लग रहा है आपको, और बाकी के जो फर्स्ट और थर्ड पैनल आपको एकदम ब्लैकिश लग रहे होंगे, क्योंकि ये है, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट जमी है। ये आपको इस एंगल से दिखाऊंगा तो दिखेगा कलर डिफरेंस। अरे आपको मैं उंगली से भी देता हूँ, ये देखो दिख रहा होगा आपको डस्ट। ये डस्ट आपका पैनल परफॉर्मेंस को हिंडर करता है। हालांकि 2-3 दिन का डस्ट से इतना डिफरेंस नहीं आता बट मैं रोज़ इसके लिए साफ करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही है, जिस वजह से डस्ट ज़्यादा जनरेट होता है। तो दिस इज हाउ, मेरे पास ये जो कपड़ा है नॉर्मल सा एक टी शर्ट से मैंने उसको पोंछा है। अब देख रहे हो तो मोर और लेस ये इससे निकल जाता है। अब मैं इसको बचा हुआ जो आपका प्रोसेस है उसको मैं गीले कपड़े से पोंछूंगा। सिंपल है, इस पर ज़्यादातर आपको देखो जैसे बर्ड ड्रॉपिंग्स है, बर्ड ड्रॉपिंग्स आपके सूखे कपड़े से नहीं निकलेंगे, ये आपको गीला करके ही निकालना पड़ता है। तो दीज आर सम बेसिक सेट ऑफ रूल्स जिससे आपको पैनल साफ करना है। एक कपड़े गीले, पहले सूखे कपड़े से फिर एक गीले कपड़े से मार देना। जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, आप हफ्ते में एक बार किया तो भी वेल एंड गुड। मैं रोज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी रोज़ करना है। आप 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट ऑफ पोल्यूशन योर एरिया हैज़, कितना डस्ट आपके इसमें सेटल होता है, या बर्ड ड्रॉपिंग्स। कुछ जगहों पे बर्ड ड्रॉपिंग्स ज़्यादा गिर जाता है तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स दी पैनल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बस यही शॉर्ट वीडियो आपको बताना था। सो गाइस, आपने देख लिया पैनल को मैंने कैसे आज साफ किया, और आपको बता दिया टिप्स आपको किस फ्रीक्वेंसी में करना है और कैसे करना है। सिंपल है, आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे इस बारे में। सोचा मैं भी एक छोटा सा वीडियो आपको हेल्प कर देगा, है ना। ठीक है, दिस इज विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।